स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्रिकेट की वीडियो हम कैसे एडिट कर सकते हैं और उसमें कोई भी कॉपीराइट ना आए। ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिसके अंदर कोई भी कॉपीराइट ना आए और हमारी वीडियो मोनेटाइज हो जाए, मतलब कि हमारे चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा। YouTube टिप्स से रिलेटेड और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बहुत सारी वीडियो यहां पर आने वाली है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग करें तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको तो पता है कि हम इंट्रो में कोई ज़्यादा बात नहीं करते, सीधा कॉन्टेंट को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप कोई कंटेंट बनाते हैं तो आपको सबसे पहले कंटेंट ढूंढना पड़ता है। तो कंटेंट कहाँ से लाएंगे? कंटेंट लाने के लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल के अंदर। गूगल के अंदर जाने के बाद आपको सर्च करना है कि आज की टीम क्या है, मतलब आज की कौन सी टीम होने वाली है, कौन से इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, मतलब कि आपको पता है कि आज ये मैच होने वाली है, तो उस मैच से रिलेटेड आप गूगल में जाके सर्च कीजिए। बहुत सारी वेबसाइट आपके सामने आएंगी, वहाँ से कोई भी वेबसाइट खोलिए, जो भी फ्रेश पोस्ट है उस पोस्ट को आप ओपन कीजिए। अगर हिंदी में ट्रांसलेट नहीं है तो आपको सर्च में भी हिंदी लिखना है, ताकि आपके सामने जो भी रिजल्ट आए वो सब हिंदी में आए। और उस हिंदी कंटेंट, उसके अंदर से आपको 5 या 6 लाइनें ऐसी ढूंढ लेनी है जिसको आप वॉइस ओवर कर सके, मतलब कि आपका कॉन्टेंट तैयार हो गया। 5 या 6 लाइन आपको ऐसी ढूंढनी है जो अट्रैक्टिव हो और आपकी कंटेंट के लिए सही हो। तो आपको उसको क्या करना है, आपको रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो आपके मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग होगा। चलिए मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, किस तरह से आपको रिकॉर्ड करना है वो सब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो रिकॉर्ड करने के लिए तो आपको जो भी वॉइस ओवर करना है वो आपको एक रिकॉर्डिंग कर लेना है। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए आपके मोबाइल के अंदर ही एक रिकॉर्डर होगा, उसको आपको ओपन कर देना है। जो भी कंटेंट है हमारा उसको रिकॉर्ड कर लेना है। तो चलिए मैं रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको बोलूँगा कि आप भी कुछ इस तरह से रिकॉर्ड कर लीजिए। चलिए, सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल के ऊपर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जो मैच होने वाली है उसके अंदर इंडिया का कुछ एक ऐसा खिलाड़ी है जो टीम से बाहर है, और आपको पता है कि इंडिया के लिए ये खिलाड़ी कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये खिलाड़ी कौन है, इस सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, मैं सब आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग किया है, मैंने यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिस नहीं किया है, मैंने एक ही टेक में ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, ऑडियो रिकॉर्ड किया है। लेकिन आपको 3-4 टेक लेने हैं और बहुत ही सही से आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जैसे ही रिकॉर्डिंग आपका रेडी हो जाता है तो आपको फिर से जाना है गूगल के अंदर। आप जाएंगे गूगल में और गूगल में आपने जो भी बोला है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बोला है, या फिर आपने जो भी बोला है, आपका जो भी कंटेंट है उसके रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सर्च करना है। मैं यहाँ पर सर्च करूँगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर मैंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को सर्च किया, इंडिया पाकिस्तान को सर्च किया, हमारे सामने बहुत सारा रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर रिज़ल्ट आ चुका है। तो यहाँ से हमें फ़ोटोज़ उठानी है, ठीक है। कंटेंट तो हमने बना लिया, रिकॉर्डिंग तो हमने कर लिया, यहाँ से हमें इमेज उठानी है। जब भी आप इमेज डाउनलोड करो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इमेज के अंदर कोई भी वाटरमार्क या कोई भी लोगो या कोई भी लिखावट नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट आ सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इमेज पर जाकर जो भी इमेजेस है, यहाँ पर देखिए ये है एक इमेज, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। इस तरह से आपको बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड कर लेनी है। और अब हमें जाना है काइनमास्टर के अंदर। तो चलिए मैं आप लोगों को ले जाता हूँ काइनमास्टर में, या फिर आपके पास अगर लैपटॉप है, पीसी है, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम मोबाइल से करना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग मोबाइल से ही करते हैं, तो इसलिए मैं आपको मोबाइल यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ इमेजेस यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर ला दी है। यहाँ हमें क्या करना है, इसके बीच में एक ट्रांजेक्शन लगा देना है। जैसे ट्रांजेक्शन लगाएंगे तो आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, ठीक है। हर जगह पर एक दूसरा ट्रांजेक्शन लगाइए हर बार, ठीक है। मैं
हमने यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन ऐड कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमने जो भी रिकॉर्डिंग किया है वो रिकॉर्डिंग वाला जो अभी हमने जो रिकॉर्ड किया है वो रिकॉर्डिंग कहाँ होगा, ये रहा, ये है रिकॉर्डिंग और यहाँ पर हमने उस रिकॉर्डिंग को ला दिया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल के ऊपर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जो मैच होने वाली है उसके अंदर इंडिया का कुछ एक ऐसा खिलाड़ी है जो तो ये देखिए आप जो वीडियो है, आपका वीडियो रेडी हो चुका है। अब इस वीडियो को आपको अपलोड कर देना है। बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप एक ढंग से काम करते हैं तो आपकी चैनल एक ही महीने के अंदर मोनेटाइज हो सकती है। चैनल के ऊपर व्यूज़ भी आएंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर सब्सक्राइबर की कमी नहीं है। क्रिकेट के जो फ़ैन है, बहुत सारे क्रिकेट के फ़ैन हैं, आप समझो 50% लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट देखते हैं। बहुत उम्र वाले, बड़ी उम्र वाले भी देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, सभी लोगों को क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ आने वाले हैं। आप अगर इस तरह से वीडियो बनाते हैं तो आपकी व्यूज़ आने वाले हैं, पक्के आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको वीडियो बनाना है। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि आपकी जो इमेजेस है उसके अंदर कोई भी वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, कोई भी लिखावट नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी इमेज आप अपलोड करते हो तो आपकी चैनल के ऊपर कॉपीराइट आ सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और वो भी इस तरह से काम करके पैसे कमा सके। और हमारे चैनल को एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।